ओके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयीं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणयुक्ता शिवशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हमारा चर्चा का विषय है माया द वर्ल्ड एज वर्चुअल रियलिटी। तो माया जो शब्द है यह आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, स्पेशली जो भारत में पले बड़े हैं, और अगर भगवद गीता के विषय में थोड़ा भी आप जानते हैं तो इवन आध्यात्मिक विषय में कोई भी आता है तो ये शब्द बहुत सुनते हैं माया। तो माया एग्जैक्टली क्या है, तो आज हम इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से इस सीरीज़ ऑफ टॉक में हम समझेंगे। तो एक अभी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो उसमें एक कंसेप्ट है वर्चुअल रियलिटी। तो इस वर्चुअल रियलिटी के कंसेप्ट से हम समझने का प्रयास करेंगे एग्जैक्टली माया क्या है। सो वर्चुअल रियलिटी समझने से पहले थोड़ा हम एक प्रश्न है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर से कनेक्टेड है कि कैसे वर्चुअल रियलिटी का अस्तित्व आया। तो क्या प्रश्न है ये प्रश्न, सबसे पहले एक ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने, मतलब वो कंप्यूटर साइंटिस्ट था वो, तो उसने ये प्रश्न पूछा। उसने सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा उसने कि क्या मशीन सोच सकती है। तो मशीन्स माइट बी एबल टू थिंक, उसने ये प्रश्न को एक्सप्लोर करने का कोशिश किया। तो इसका नाम था एलन ट्यूरिंग, और इसने एक मशीन भी बनाई, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, UTM बोलते हैं उसको। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बेसिकली क्या है, तो उसने एक ऐसी मशीन की कल्पना करी जो ह्यूमन थिंकिंग को कॉपी कर सकती है। तो ये जो प्रश्न है कि क्या मशीन सोच सकती है, तो उसका उसने उत्तर कैसे ढूंढा, उसने ये देखा कि कोई भी चीज़ है इस जगत में उसको एल्गोरिदम के माध्यम से, एल्गोरिदम वे में उसको देखा जा सकता है। तो एल्गोरिदम कैसे समझेंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे वो चीज़ हो रही है, जैसे कोई भी प्रोसेस है तो उसको अगर होना है तो ऐसे नहीं रैंडमली होगा, वो स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है, और फिजिक्स के लॉज को वो फॉलो करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कोई वस्तु है ना, उसको अगर मैं पकड़ रहा हूँ और उसको छोड़ता हूँ जैसे ही, तो ऐसे ही छोड़ूंगा तो वो नीचे गिरेगी। अब वो नीचे गिरेगी तो गिर रही है वो, तो उसमें फिजिक्स के लॉज लग रहे हैं, है ना, उसमें ग्रेविटेशन पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स के जो लॉज हैं वो लग रहे हैं। तो अभी उसी चीज़ को हम एक कंप्यूटर में भी सिमुलेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में भी एक हम एप्पल बना सकते हैं और उस एप्पल को ज़मीन पर गिरा सकते हैं, बस जो यहाँ जो लॉज हैं, जो फिज़िक्स के लॉज लग रहे हैं उसको अच्छे से समझ के, उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में डाल के उस फॉर्मूले को बस कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करना है। तो अगर कंप्यूटर वो चीज़ कर लेगा तो जैसे हम वास्तविकता में देखते हैं बॉल को छोड़ते ज़मीन पे गिरती है, बिल्कुल वैसा का वैसा हम कंप्यूटर पर दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है, तो इसी प्रकार से, तो ये तो एक एग्जांपल है ना, कोई चीज़ नीचे गिराने का। ऐसे ही हर चीज़ इस जगत में, जो भी फेनोमेना है, जो भी प्रक्रिया है, तो उसको आप उसको ऐसे सिमुलेट कर सकते हो कंप्यूटर में,
एल्गोरिदम के माध्यम से। तो इसी प्रकार से ह्यूमन बिहेवियर हो गया, ह्यूमन थिंकिंग हो गया। हाँ, तो एक ब्रेन, तो जैसे ब्रेन भी एक मशीन है, तो वो भी एक तरीके से कुछ फिजिक्स के लॉज, कुछ नहीं, पूरे जो लॉज हैं नेचर के, उसको फॉलो करती है। तो ये जो एलन ट्यूरिंग था, इसने ये लॉजिक लगाया कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, इसको भी हम फिजिक्स के लॉज से समझ सकते हैं, और उस लॉज को समझ के उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके उसको पूरी तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ह्यूमन थिंकिंग है, वो जो थिंकिंग है, हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं। अर्थात सिमुलेट, ह्यूमन थिंकिंग को भी कंप्यूटर सिमुलेट कर सकता है। लेकिन अब एक इसमें प्रश्न ये है कि जो हम सोच रहे हैं और कंप्यूटर जो सोच रहा है, या कंप्यूटर सोचने का एक हम देख सकते सिमुलेशन, मतलब कॉपी कर रहा है, वो क्या रियली में वो सोच रहा है, क्या रियली में उसको अवेयरनेस है सोचने की? तो ये प्रश्न कुछ फिलोसोफर्स ने किया है ना, लेबनिज और जॉन सेरली, ये दो फिलोसोफर रहे जिन्होंने ये एलन ट्यूरिंग के जो विचार है उसका खंडन किया। तो एलन ट्यूरिंग ने क्या कहा कि हम फिजिक्स के लॉज से, मतलब पूरी तरह से अगर मॉडल कर लें, हम मॉडलिंग कर लें ह्यूमन थिंकिंग की, कि कैसे ह्यूमन थिंकिंग होती है, ठीक है, उसके सारे लॉज हम उसकी मॉडलिंग कर लें और उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके उसको बस उस मॉडल को बस हमें कंप्यूटर पे सिमुलेट करना है, तो फिर जो है थिंकिंग तो कंप्यूटर भी सोच रहा है। लेकिन फिर इन लोगों ने, लेबनिज और जॉन सेरली ने ये तर्क दिया कि कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, वो मशीन में नहीं है। तो इसलिए मशीन से अगर आप सोचवा भी दोगे, मतलब थिंकिंग को सिमुलेट भी कर देगा, लेकिन उस मशीन को अवेयरनेस नहीं होगी कि वो क्या सोच रहा है। अवेयरनेस बेसिकली, हाँ, तो अवेयरनेस, तो मशीन भी क्या सोच रहा है ना, उसको समझने के लिए कोई जीवित व्यक्ति चाहिए। तो ये उसने, तो ये जो फिलोसोफर, इन्होंने बताया कि अगर आप मशीन से सिमुलेशन करवा लोगे, मशीन से इवन ह्यूमन थिंकिंग की सिमुलेशन भी करवा लोगे, तो भी क्या होगा, तो भी उसमें कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, चेतना नहीं रहेगी। तो यहाँ पर फिर प्रश्न आता है, तो इसलिए आप समझ रहे हो ये सब, ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस को समझने के लिए। तो ये वर्चुअल रियलिटी का जो फिनोमेना है, और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी जिस स्तर पर इसका उपयोग कर रहा है, तो इससे हम जो वास्तविक में जो कॉन्शियसनेस है उसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं। तो ये जो फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कॉन्शियसनेस जो है कुछ मिस्टीरियस एलिमेंट है ना, कुछ रहस्यमय पदार्थ है, जिसके कारण हम अवेयर होते हैं, हमें पता चलता है कि हम सोच रहे हैं। वरना सिर्फ सोचने में भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे एक जो व्यक्ति जब कोमा में है, हम देखते हैं जब कोमा में है, तो उसमें भी उसका लाइफ तो चल रहा है, और कुछ ना कुछ स्तर पे जो है वो उसका ब्रेन एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन डेड बहुत समय बाद उसको घोषित करते हैं, राइट, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी चल रही है। तो लेकिन अवेयरनेस नहीं है, वो जो भी सोच रहा है, जो भी सोच पा रहा है, उसकी अवेयरनेस उसमें नहीं हो रही है। तो कॉन्शियसनेस हम देखेंगे, कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अवेयर कराती है हमारे थॉट्स के बारे में। ये इन फिलोसोफर्स ने ये प्रस्ताव रखा कि इसलिए भाई तुम मशीन से जो है ह्यूमन थिंकिंग को तुम कॉपी कर सकते हो, बट फिर भी जो मनुष्य चेतना है उसको कॉपी नहीं कर पाओगे, क्योंकि चेतना अलग ही चीज़ है, कोई रहस्यमय वस्तु है। लेकिन फिर दूसरा एक फिलोसोफर आया है ना, डैनियल डेनेट, उसने कहा नहीं 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 अवेयरनेस को भी हम कॉपी कर सकते हैं, अवेयरनेस भी रूल फॉलो करती है ना। अवेयरनेस मतलब आप बोल रहे हो कि चेतना के कारण हम अवेयर होते हैं जो सोच है, विचार है उसके प्रति, लेकिन फिर इसने कहा डैनियल डेनेट ने कि नहीं, इवन जो अवेयरनेस है उसके बारे में भी, वो भी फिजिक्स के लॉज फॉलो करता
है ना, कैसे हम चीज़ों के प्रति अवेयर होते हैं उसको भी हम मॉडल कर सकते हैं है ना। तो इसलिए कॉन्शियसनेस चेतना कोई मिस्टीरियस कोई चीज़ नहीं है, उसको भी हम मॉडल कर सकते हैं, उसको भी हम फिजिक्स के लॉज से समझ सकते हैं और वो लॉज को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके कंप्यूटर से उसको भी हम सिमुलेट कर सकते हैं। तो ये सिमुलेशन एक शब्द है जिसको मैं बहुत यूज़ करूँगा। सिमुलेशन आप ये समझो कि कॉपी करना, मतलब जो भी रियलिटी में जो चीज़ें हैं जो वास्तविक जगत में देखते हैं उन चीज़ों को कंप्यूटर में कॉपी करना है ना, उन घटनाओं को उन चीज़ों को। एक हम देखते हैं इवन जो कंप्यूटर गेम्स हैं है ना, वीडियो गेम्स हैं, वो भी एक तरह से सिमुलेशन से सारे है ना। तो रियलिटी जैसे हम देखते हैं जो गेम्स है जिसमें कोई व्यक्ति बंदूक लेके चला रहा है और गोली मार रहा है, तो रियलिटी में भी हम देखते हैं बंदूक है और उसे गोली मार सकते हैं। अब उस रियल फेनोमेना को कंप्यूटर में कॉपी किया जा रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं सिमुलेशन। तो एक्चुअली मैं ये जो सिमुलेशन है इसका सबसे पहले उपयोग मिलिट्री में किया गया था। ये वर्चुअल रियलिटी पूरी डेवलप इसलिए हुई, जो साइंस है वर्चुअल रियलिटी की, टेक्नोलॉजी है, वो पूरी डेवलप इसलिए हुई थी मिलिट्री यूज़ के लिए। तो मिलिट्री में जो जैसे एयरफोर्स में जो पायलट्स हैं उनको असली प्लेन में उड़ान भरने की जगह एक कंप्यूटर के अंदर एक प्लेन बना हुआ है और उस प्लेन को वो उड़ाना पहले सीखते हैं। और वो प्लेन जो है वो सारे जो रियल वर्ल्ड के जो लॉज हैं उसको फॉलो करता है। तो इस तरह से वो पायलट जो है असली प्लेन उड़ाने से पहले ही बहुत हद तक दक्ष बन जाता है प्लेन को उड़ाने के लिए, और फिर जब वो उधर अच्छे से उड़ा पा रहा है फिर उसको असली प्लेन देते हैं उड़ाने के लिए। सो लाइक दैट इसका यूज़ है ना इस मिलिट्री में। तो इसलिए मिलिट्री ने बहुत इसमें पैसा डाला। ये सारे जो मैं नाम बता रहा हूँ साइंटिस्टों के, ये सब वही मिलिट्री में ही कार्य कर रहे थे। तो ये था डैनियल डेनेट, उसने बोला कि अवेयरनेस को भी हम मॉडल कर सकते हैं। और फिर रेने डिस्कार्टेस आया, ये भी एक फिलोसोफर था, उसने एक फिलोसफी, उसने फिर बताया कि जो अवेयरनेस है ना, वो भी अंदर एक पदार्थ है, मतलब हमारे अंदर कुछ एक पदार्थ है, एक मैटर है, उसके कारण अवेयरनेस है, ठीक है। और बाहर जो पदार्थ है, जो मैटर है, ठीक है, ये तो अंदर जो पदार्थ है और ये बाहर पदार्थ है, ये आपस में इंट्रैक्ट कर रहा है, और जब ये इंट्रैक्शन होता है तो हम तो हमें जो है रियलिटी, तो हमें परसेप्शंस होते हैं सारे, अवेयरनेस होते हैं, ठीक है। तो अंदर जो ये पदार्थ है इसमें चेतना का एलिमेंट है, मतलब वो चेतन है, और उसमें फ्री विल है, उसमें इच्छा शक्ति है, ठीक है। और जो बाहर जो पदार्थ है ना, उसमें उस प्रकार से इच्छा शक्ति और अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करते हैं, इम्प्रेशन करते हैं। अर्थात जो भौतिक पदार्थों से, बाहर के जगत से जो हमें सेंस डाटा मिल रहा है, जो भी सेंसरी परसेप्शन है, ठीक है, तो वो मन के ऊपर इम्प्रेस हो रहा है। और मन जो की जो इच्छा शक्ति है ना, जो मन की जो इच्छा है, मेंटल विल है, वो इम्प्रेस हो रहा है मैटर पे, मतलब बाहर के जगत के पदार्थों पे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन डाल रहे हैं और इससे इंट्रैक्शन हो रहा है, और इससे हम देख रहे हैं जो जगत है वो चल रहा है। तो इस प्रकार से, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, है ना, रेने डिस्कार्टिस ने तो बताया, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ये रेने डिस्कार्टिस जो बता रहा है, जो अंदर जो पदार्थ है जिसमें फ्री विल करने की इच्छा की शक्ति है, तो ये बाहर के पदार्थ के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, उसके लॉज क्या हैं, उसके नियम क्या हैं, वो नियम फिजिक्स को नहीं पता है। क्योंकि फिजिक्स जो है वो जो अंदर जो रेने डिस्कार्टिस बता रहा है, अंदर हमारे अंदर एक सूक्ष्म पदार्थ है, अब वो पदार्थ क्या है वो फिजिक्स को पता ही नहीं है। तो इसलिए वो बाहर के सेंसरी डाटा से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसके लॉज क्या हैं, वो पूरी तरीके से वो नहीं जान सकते हैं। तो उसको पूरी तरीके से मॉडल कैसे करेंगे, तो इसलिए उसको फिर वो कैसे, तो ये चीज़ कहना कि कंप्यूटर पूरी तरह से जो है थिंकिंग, ह्यूमन थिंकिंग को कॉपी कर सकता है, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी जब तक उस मिस्टीरियस
एलिमेंट को नहीं समझेंगे। तो इसलिए फिर बाद में और भी फिलोसोफर्स आए, तो उन्होंने कहा कि इसलिए रेने डेस्कार्टिस जो कह रहा है ऐसा कुछ अंदर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ठीक है जो है सब बाहर ही है, और इसको हम पूरा ऑब्जर्व करके उसको पूरा मॉडलिंग करके उसको हम पूरी तरह से इमिटेट कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर में। लेकिन जो रेने डेस्कार्टिस ने जो चीज़ कही है ना, एक्चुअली में वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट उसी से आया। क्योंकि जैसे वर्चुअल रियलिटी, तो एग्जैक्टली वर्चुअल रियलिटी क्या है, है ना, तो वर्चुअल रियलिटी क्या है, एक कंप्यूटर के अंदर जनरेटेड एक दुनिया, एक अलग ही दुनिया जो कि उसके अंदर ही, कंप्यूटर के अंदर ही उसके फिर लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, और उस दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए जो एक ह्यूमन बीइंग है, लिविंग ह्यूमन बीइंग है ना, वो उसके अंदर प्रवेश कर सकता है और उसके अंदर चीज़ें कर सकता है, मतलब उस दुनिया के अंदर वो जाके एक्शन कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है वर्चुअल रियलिटी, मतलब जो हम रियलिटी देख रहे हैं इस जगत की, है ना, उससे एक दूसरी दुनिया में ही प्रवेश करना, कंप्यूटर के अंदर बनाई गई दुनिया, और उधर आपको एक शरीर भी मिलेगा, और उस शरीर से फिर आप उस दुनिया से इंटरेक्ट करोगे, उसके लॉज को समझ के जो भी वो लॉज बनाए गए हैं, है ना, और आपको बिल्कुल रियल लगेगा, मतलब परसेप्शन बिल्कुल आपको लगेगा कि आप उधर ही हो, है ना, और जो भी बॉडी आपको मिली है, जो भी शरीर मिला है वही हो, और उसके माध्यम से आप जो एक्टिविटीज़ वहाँ कर रहे हो उस एक्टिविटीज़ से आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर भी मिलेगा, क्योंकि प्लेजर अल्टीमेटली क्या है, माइंड में, तो माइंड पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, ये सबसे पहले मिलिट्री में इसका यूज़ किया गया, है ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स को इतना इस लेवल पे लेके गए कि बिल्कुल रियल वो लगने लगे, मतलब रियल कॉकपिट, एक प्लेन में कैसा कॉकपिट होता है ना, बिल्कुल उसको पूरा वैसा का वैसा बना दिया कंप्यूटर के अंदर, है ना, और जब प्लेन उड़ रहा है तो प्लेन के, मतलब उस कॉकपिट से कैसा दृश्य दिखेगा बाहर, जो ऊंचाई में आसमान में कैसा दृश्य दिखेगा, वो पूरा दृश्य वैसा ही दिख रहा है, और जैसे जैसे प्लेन मुड़ेगा तो कैसे दृश्य कैसे चेंज होगा, हाँ कैसे कैसे दृश्य चेंज होगा, तो वो सब, और अगर कुछ जैसे बॉम्ब डालना है कहीं पे, है ना, तो बॉम्ब कैसे डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, और बॉम्ब नीचे गिरेगा तो कैसे फटेगा, वो सब चीज़ें उसमें कॉपी करी गई हैं, और वो बिल्कुल जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जितना कंप्यूटेशनल पावर जितनी ज़्यादा होती जा रही है, उतनी ज़्यादा कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो रियलिटी के नज़दीक आते जा रहे हैं। इसे हम देखते हैं आजकल जो वीडियो गेम्स हैं, तो बहुत बहुत तक उसे ग्राफिक्स बहुत रियल लगते हैं, है ना, तो हालांकि वीडियो गेम तो बाहर से हम खेलते हैं, लेकिन एक तो ये वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्या होता है, आप उसके अंदर ही घुस सकते हो, वहीं पर अंदर ही आपको जो है एक बॉडी मिल जाएगी, और उस बॉडी से आप वहाँ उस जगत में घूम सकते हो, उस जगत में कार्य कर सकते हो। तो अभी, लेकिन हाँ, इसके लिए क्या है, एक इंटरफेस चाहिए, बिना इंटरफेस के नहीं हो सकता, मतलब अगर एक मनुष्य को वो वर्चुअल रियलिटी, वो कंप्यूटर के अंदर बना हुआ जगत, उसके अंदर जाके चीज़ें करनी है, ठीक है, तो अभी अंदर कैसे जाएगा वो, उसके लिए कुछ इंटरफेस होना चाहिए, बिना इंटरफेस के वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उसको जो जो सेंसरी डाटा है वो भी उस जगत से ही मिलना है, मतलब वो कंप्यूटर के अंदर जो जगत बना है ना, उधर से ही उसको मतलब आप उसके आँखों को, नाक को, कान को, उधर से ही डाटा मिलना है, ठीक है, और फिर उधर वो उससे, उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके अनुसार वो एक्शन करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब वो चीज़, अब कंप्यूटर तो क्या है, मशीन है, ठीक है, मशीन है, वो जो भी डाटा दे रहा है उसको समझने के लिए, उसको सेंस करने के लिए एक इंटरफेस होना ज़रूरी है।
तो इंटरफेस वो चीज़ है जिससे क्या है वो प्रवेश कर पाएगा उस वर्चुअल रियलिटी में। तो यहाँ पर अब आ गया, तो अगर आप लोगों ने पता नहीं मुझे कितने लोगों ने देखी होगी वो मूवी, तो एक मूवी आई थी बहुत सालों पहले मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर आ गया मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट यही है। उसमें ऐसे दिखाया उस मूवी में कि कैसे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि वो एक सिटी में है, एक मॉडर्न सिटी में है, जगत में है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, उनका शरीर एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना। उन सबका शरीर जो है वो एक किसी एक फ्लूइड में प्रिजर्व कर रखा है, राइट, और उस शरीर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर से, और वो जो कंप्यूटर है वो फिर एक जगत बना रहा है ना, और उसमें ये लोग फील कर रहे हैं कि हम एक जगत में हैं। सो तो हालांकि जो मैट्रिक्स मूवी का जो कंसेप्ट था वो ऐसा बोल सकते हैं कि फिक्शनरी था, बट वहीं से एक्चुअली मतलब वर्चुअल रियलिटी के ऊपर ही बेस्ड है वो मूवी। सो तो अभी ये जो इंटरफेस वाली जो चीज़ है ना, इसने ये चीज़ प्रूव कर दी कि हम लोग मतलब हमारा जो माइंड है, हाँ, अब वो कॉन्शियसनेस कुछ भी हो, ठीक है। साइंटिस्टों को लगता है कि कॉन्शियसनेस क्या है, वो ब्रेन से आ रही है, ब्रेन में कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों ने क्या देखा कि जो लिविंग ब्रेन है, अर्थात जिंदा आदमी का ब्रेन है, उसको लिंक कर सकते हैं इस वर्चुअल रियलिटी से, इंटरफेस के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। और लिंक करने के बाद क्या होगा कि ये जो इस माइंड में जो कॉन्शियसनेस है वो परसीव करेगा अभी उस वर्चुअल रियलिटी को, ठीक है, जो कि उस कंप्यूटर के अंदर है। तो मतलब कंप्यूटर के अंदर जनरेट करी हुई एक इल्यूजन को अब हमारे अंदर जो माइंड है वो अब उसको अनुभव कर सकता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो अभी यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अभी जो हम अनुभव कर रहे हैं इस शरीर में, तो कहीं ये भी तो एक वर्चुअल रियलिटी नहीं है, हाँ। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बताया है ये जो वर्चुअल रियलिटी से जो ब्रेन को कनेक्ट कर सकते हैं वो एक लिविंग ब्रेन को ही, एक व्यक्ति जो अगर मर गया तो वो नहीं कर पाएगा अनुभव उस वर्चुअल रियलिटी को भी, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम जो अनुभव कर रहे हैं इस शरीर के माध्यम से, ठीक है, तो ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो कुछ और है, हाँ, और कोई वास्तविक जो रियलिटी है उससे हम फिर इस वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है, हाँ, वो पता नहीं हमें, ठीक है, और वास्तव में हम कौन हैं वो भी हमें पता नहीं। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए ही एक्चुअली पूरा स्पिरिचुअल लाइफ है। तो इसलिए माया का कंसेप्ट यही है बेसिकली, हाँ, कि हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं ये भी एक किसी के द्वारा बनाया हुआ जगत है, जैसे वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर के द्वारा बनाया हुआ जगत है ना, कंप्यूटर के द्वारा नहीं बेसिकली, एक किसी व्यक्ति के द्वारा ही, बट जो फिज़िकल लॉज हैं जो उसने देखे हैं अपने जीवन में, समझे हैं, उस फिज़िकल लॉज को मॉडलिंग करके और उसका एल्गोरिदम बना के कंप्यूटर में प्रोग्राम बना के और कंप्यूटर के प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करके उसने एक जगत बना दिया है। तो एक अगर ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा जगत बना सकता है तो हम सोच सकते हैं, तो ये जो ये ब्रह्मांड है इसको बनाने वाला कितना पावरफुल ब्रेन होगा। बट या इसके लिए भी ब्रेन चाहिए, और जो पावरफुल ब्रेन है उसने ये बहुत ही बड़ा जगत बनाया है और हम सबको एक एक शरीर दिया है उससे इंटरेक्ट करने के लिए, हाँ, बेसिकली जो इन्जॉयमेंट है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये प्रश्न है, तो हम जो एक वर्तमान जीवन जी रहे हैं तो ये भी एक वर्चुअल रियलिटी है।
अब ये कैसे है तो इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे भविष्य की क्लासों में। तो अभी तो बस एक इंट्रोडक्शन है वर्चुअल रियलिटी का और क्यों हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन है कॉन्शियसनेस के साथ, कॉन्शियसनेस स्टडी के साथ। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग तो ये इस्कॉन बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए कॉन्शियसनेस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे यहाँ वर्चुअल रियलिटी के कंसेप्ट को समझ कर हम एक प्रश्न में, एटलीस्ट एक प्रश्न तो हम प्रश्न पर आ गए हैं, क्या है कि क्या ये जो जगत जिसमें हम जी रहे हैं कहीं ये भी तो वर्चुअल रियलिटी नहीं है एक, जो कि एक ग्राउंड रियलिटी वास्तविक रियलिटी पे आधारित है। सो वो क्या है और कैसे उसको समझा जाए, ठीक है, तो वो भविष्य में आगे आने वाली क्लासेस में हम और इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो आज बस ये इंट्रोडक्शन था वर्चुअल रियलिटी के ऊपर, आगे हम और इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं, किसी को अगर कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल हो सकता है सबके लिए, जो लोग थोड़े साइंस बैकग्राउंड से हैं वो थोड़ा लेकिन मैंने कोशिश करी सिंप्लीफाई करने की जितना कर सकते हैं। बट या किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा लगा तो पूछ सकते हैं, कोई चीज़ नई लगी, नया सुना कुछ, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। तो मेरा प्रश्न है फिर सबसे तो मेरा एक प्रश्न है, मैट्रिक्स मूवी कितने लोगों ने देख रखी है हैं, देखिए या ओके, तो आप लोगों ने नहीं देखी मैट्रिक्स, तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है अभी आप ये मत सोच रहे कि अभी लेक्चर के बाद वो प्रभु जी मैट्रिक्स मूवी का वर्णन किए थे, चलो देखते हैं, देखने की ज़रूरत भी नहीं है। बस ये है कि उसमें ये कंसेप्ट वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट उसमें दिखाया गया है, कैसे एक जो मनुष्य है उसको रियलिटी में अनकॉन्शियस करके एक उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर देते हैं किसी फ्लूइड में, और उसकी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से, ठीक है, और वो कंप्यूटर फिर एक दुनिया बना रहा है और ये उस दुनिया को अनुभव कर रहा है, उसके अंदर वो कार्य कर रहा है, हाँ या ड्रीम जैसा, मतलब लेकिन उसको तो रियलिटी लग रहा है, या तो इसलिए मैट्रिक्स मूवी नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं है, देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट होगा। ये अपन वर्चुअल रियलिटी वाली जो सेमिनार है इसको आप अटेंड कर लो तो आप मूवी भी देख लोगे, ठीक है, हम सारे कंसेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद्गीता की जय।